वेलकम बैक गाइज। इन दिस नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ ड्यूअल नेचर हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे एंड लास्ट टाइम एक सिंपल सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि मिस्टेक कहाँ पे है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई तो किया होगा, कुछ लोगों ने फाइंड भी किया है, मुझे मैसेज आए थे एंड दैट्स क्वाइट वंडरफुल। एक सिंपल सी मिस्टेक सब्स्टिट्यूशन में, बाकी सारी चीजें एकदम प्रॉपर थी। लाइक जो एच का वैल्यू है इट इज नॉट 4.135 इंटू 10^-14 बट इट इज एक्चुअली 10^-15। तो मैंने पुट करते वक्त गलती से -14 पुट कर दिया। नाउ वंस आई डू दिस, दिस एंड दिस डायरेक्टली बिकम्स कैंसल, देन 10 चला जाएगा क्योंकि 10 का सवाल ही नहीं आता। और जब आप इसको सॉल्व करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट अ क्लोजर आंसर समवेयर अराउंड 12.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो इजी है कि नहीं? एकदम इजी वे में आपने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। रादर देन यूजिंग दिस लेंथी मेथड आप एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो। तो इसके आगे वाले सम में भी जहां पे भी नोट्स में मैंने लेंथी मेथड किया है आपको कौन सा मेथड यूज करना है, शॉर्ट मेथड यूज करना है। ओके लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो करंट रिकॉर्डेड इन द माइक्रो एमीटर इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैनिशेस व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज मोर देन 0.8 वोल्ट। क्या बोला है? फोटो करंट कौन वैनिश होता है? फोटो करंट कौन से वोल्टेज पे? 0.8। तो ये 0.8 कौन से टाइप का वोल्टेज हुआ रहे? इट इज अवर कट ऑफ वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज हुआ ये? कट ऑफ। तो ये वी नॉट का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 0.8 वोल्ट। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने यहां पे क्या किया, 4950 एंगस्ट्रॉम लिखा, 10^-10 में कन्वर्ट कर दिया। वो तो बाद में देखेंगे कि कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं। इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज नाउ चेंज्ड, ओके अभी सोर्स चेंज कर दिया और ये जो सोर्स है उसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका चेंज हो गया। कितने से चेंज हो गया? 1.2 वोल्ट पे आ गया। तो आपके पास वी नॉट 2 दिया, ये वी नॉट स्क्वायर नहीं है, ये वी नॉट 2 है, जस्ट नोटेशन है। पहला वी नॉट 1 था, ये वी नॉट 2 है। ओके फिर आपको क्या है, आपको फाइंड आउट करना है वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड वेव। तो आपको फाई नॉट फाइंड आउट करना है और आपको लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है। तो देखो जब मैं फर्स्ट गिवन डेटा कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं हर एक स्टेटमेंट को डिवाइड करके छाट छाट के उससे डेटा निकाल रहा था। व्हेन आई वाज डिवाइडिंग दिस क्वेश्चन मुझे पहले ये क्लिक नहीं हुआ कि ये मेरा वी नॉट 1 है, ये मेरा लैम्डा 1, ये कुछ नहीं। मैंने सिर्फ वी नॉट एंड लैम्डा लिखा था जब मैं ये सम सॉल्व कर रहा था। बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट कि अरे नहीं, एक और चीज का डेटा अवेलेबल है, जैसे दो लैम्डाज है, दो सोर्सेस है, दो कट ऑफ वैल्यूज है, तो मुझे 1 और 2 से उसको सजाना पड़ा, ऐड करनी पड़ी ये चीजें। ओके सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? पहली चीज तो वर्क फंक्शन निकालना है। आप आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। सो क्या आप पुट करोगे, आप के ई मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, किया पुट आपने। फिर देखो आगे क्या करने वाले हैं हम लोग ईवी नॉट के मैक्स की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि डेटा वी नॉट के टर्म्स में है। एच न्यू देन माइनस फाइव नॉट, न्यू के जगह सी बाय लैम्डा, वाई बिकॉज द गिवन डेटा इज इन टर्म्स ऑफ 4950 वेवलेंथ, और ये सारी चीजें हो गई। अब इसको सॉल्व करके फाइव नॉट निकालेंगे। उन्होंने ईवी में आंसर दिया, मैंने लेंथी मेथड कर दिया, बाद में ईवी में सब्सटीट्यूट कर दिया। जस्ट रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग इन द सेंस रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है, बट लेंथी मेथड है। आप बोर्ड्स में इतना सॉल्व करते बैठोगे क्या? नहीं। तो इसी के बाजू में मैं आपको इसका शॉर्टकट करके बताता हूं ताकि आपको फिर से एक बार आइडिया हो जाए, आप श्योर हो जाओ। तो ईवी नॉट का वैल्यू कितना दिया है आपको, तो वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइडेड है, मतलब लाइक वोल्टेज है ना, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं डेटा ईवी में पुट कर रहा हूँ, ईवी में, इसीलिए मैं ई को सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा। ई को सब्सटीट्यूट कब करना है, जब आपको SI में कैलकुलेट करना है। तो आप ईवी नॉट के जगह 0.8 डालोगे, ओके ऊपर ही डाल देते, इक्वल्स टू एच के जगह, या फिर ये एच सी है ना अपना, एच सी आ गया, तो एच सी होता है 12400। वेवलेंथ किस में पुट करोगे, एमस्ट्रॉन्ग में, तो दैट इज 4950। सो यू विल पुट इट ओवर हियर 4950। माइनस फाइव नॉट का वैल्यू अननोन है क्योंकि वही तो तेरे को फाइंड आउट करना है, तो फाइव नॉट वो साइड चला जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा 12400 अपॉन 4950। नाउ इट इज इजी कैलकुलेशन एज यू कैन सी, सो 12400 अपॉन 4950। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आपको अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे 2.505 बचता है, मैं 2.50 में
मांडवली कर लेता हूँ, यहाँ पे 0.8 अगर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होता है, 2.5 में से 0.8 सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1.7 ईवी। अभी ये जो गधा मजूरी की है उसके जगह ये बेटर है ना ऑलरेडी, यस, सो वी विल गो विद दिस पर्टिकुलर मेथड। हम लोग शॉर्टकट फॉलो करेंगे, हम लोग लेंदी नहीं करेंगे, समझ गए? आपको फाइंड आउट मिल गया। तो इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ईवी टू फाइंड आउट करना है, मतलब एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज किया है तो आपको लैम्बडा फाइंड आउट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही जो फॉर्मूला था उसी को मॉडिफाई कर लो। तो ईवी टू क्या हो जाएगा, इट विल बी एच सी अपॉन लैम्बडा टू माइनस फाइव नॉट, फाइव नॉट आपको 1.7 ऑलरेडी पता है, एच सी का वैल्यू डाल दो 12,400, लैम्बडा टू अननोन रखो, ईवी नॉट को क्या लिखोगे, ईवी नॉट तो प्रोवाइडेड है आपके पास 1.2 ईवी, तो आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर सम को मॉडिफाई करोगे। तो आप इस फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई करोगे वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपको ईवी नॉट के जगह क्या डालेंगे हम लोग डालेंगे 1.2, सो 1.2 डाल दिया, फिर एच सी, फिर से बता रहा हूं ये स्क्वायर नहीं है, नहीं तो स्क्वायर कर दोगे गलती से, 12,400 हो जाएगा, फिर लैम्बडा टू अननोन है, माइनस फाइव नॉट का वैल्यू क्या था आपका 1.7, तो ये जो 1.7 है वो साइड जाना पड़ेगा, तो 1.7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो वी गेट 1.2 प्लस 1.7, तो 2.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 हो जाएगा, बट जाने दो 2.9 ही लिखते, इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। इधर से आपको आराम से लैम्बडा 2 का वैल्यू मिल जाएगा, एंड वी आर डन विद इट। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या करना है आपको, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4500 एमस्ट्रॉन्ग इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेटल के रिलेटेड आपको डेटा प्रोवाइडेड है, वर्क फंक्शन दिया है आपको फाइव नॉट, मैंने इधर कन्वर्ट किया, आप कन्वर्ट ना करोगे तो भी चलेगा, कन्वर्ट करने के पीछे रीजन है यहाँ पे यूनिट टेस्ला में है, दैट इज SI यूनिट, और ईवी में आप इसको सॉल्व करोगे बाद में रिटर्न कन्वर्जन करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप पहले ही कन्वर्ट करके सॉल्व करो या बाद में ईवी को कन्वर्ट करो, चॉइस इज yours। तो यहाँ पे 2 ईवी वर्क फंक्शन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ। ये सब ना ट्रिकी सम है, ट्रिकी एंट्रांस लेवल का सम है। क्या बोला है कि एक मेटल है और उस मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी बात हो रही है, बाकी के बारे में सोचना नहीं है। तो 90 डिग्री पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एक सर्क्यूलर पाथ कैरी करते हैं या फिर एक सर्क्यूलर पाथ में मूव करते हैं। ये किसने बताया, उन्होंने बताया। क्या बोला कि अगर मेटल है, मेटल से तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट देम, वी विल ओनली चूज इलेक्ट्रॉन दैट आर परपेंडिकुलर, तो मैंने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन चूज किया। नाउ दिस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन दे एक्चुअली मूव इन अ कर्वीलिनियर पाथ, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इसके अराउंड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है। ओके, नाउ दे आर सेइंग कि ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जो इस इलेक्ट्रॉन को 0.2 के रेडियस में घुमा रहा है। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्क्यूलर मोशन कर रहा है तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है। एंड मैंने क्या सिखाया आपको सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में, कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज लाइक विष्णु भगवान, जैसे सेंट्रिपिटल विष्णु भगवान के कैसे बहुत सारे रूप होते थे, जस्ट लाइक दैट सेंट्रिपिटल फोर्स आल्सो हैज मल्टीपल फॉर्म्स, दैट मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला, अरे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन कर्व करेगा, नहीं, तो दैट मीन्स जो सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर कर्व में घूमने की कोशिश कर रहा है वो किसके वजह से पॉसिबल है, इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट इज वाई सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। नाउ सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला यू स्टडीड इन 11th 12th लॉट्स ऑफ चैप्टर एमवी स्क्वायर बाय आर। मैग्नेटिक फोर्स 11th में ही स्टडी किया था, क्यूवीबी साइन थीटा, एज इट इज गोइंग आउट एट द 90 डिग्री, ओके, दैट इज वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री, तो थीटा 90 पुट किया मैंने, साइन 91 होता है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी QVP, VV कैंसिल करो, आपको यहां से R मिलेगा, R का वैल्यू क्या हुआ MV अपॉन QB। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला भी है, मतलब इसके पहले अगर आपने ये फॉर्मूला कहीं पे देखा होगा तो यू वुड हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग इन साइक्लोट्रॉन। ओ बट फॉर दोज स्टूडेंट्स दैट आर करेंटली गिविंग 12th, मतलब अभी जो 2000
21 में 12 देने की कोशिश करेंगे, उनके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके सिलेबस से ये टॉपिक डिलेटेड किया था, इसीलिए आपके क्लासेस में या फिर आपको सिखाया नहीं गया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिलेटेड साइक्लोट्रॉन के बारे में। बट साइक्लोट्रॉन क्या होता है? इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर विच एक्सेलरेट्स पार्टिकल, मतलब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। उस साइक्लोट्रॉन के अंदर का रेडियस भी सेम फॉर्मूला से दिया जाता है। नाउ दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट बी, तो बी को एक तरफ ले लो, आर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। व्हाट इज एम? एम इज 9.1 × 10⁻³। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी मैक्सिमम वेलोसिटी, जो भी आपको फाइंड आउट करना है। क्यू इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर इज 0.2। आई वुड रादर सजेस्ट यू टू यूज दिस पर्टिकुलर मेथड, मतलब एसआई यूनिट वाला, देन द प्रीवियस मेथड। या फिर ये एक वे हो गया, इधर से आपको बी मिल जाएगा, तो आपका बी का वैल्यू फाइनल हो गया। अभी बी का प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास वीमैक्स नहीं है, तो वीमैक्स के लिए आप के ई यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है के ई का? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एच सी अपॉन फाइ नॉट, करेक्ट, मतलब जो भी है माइनस एच न्यू अपॉन फाइ नॉट। न्यू के जगह यू कुड राइट सी बाय लैम्बडा, तो मैंने वही चीज की, मैंने उसके जगह सी बाय लैम्बडा लिखा, फाइ नॉट लिखा, सारा डेटा पुट किया, एंड इवेंचुअली आई गॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। कैलकुलेशन लेंथी जाएगा, आई टोटली एग्री। शॉर्ट कैसे कर सकते हो? कर देते हैं आपके लिए, अगर आपको चाहिए तो हम लोग ये पर्टिकुलर स्टेप को उड़ा देंगे। ओके, के ई को पहले कैलकुलेट करेंगे, तो के ई हो गया यहाँ पे, एच न्यू पता नहीं मेरे को, बट हैव दे प्रोवाइडेड अस विथ वेवलेंथ, यस, तो लेट्स यूज दैट लॉजिक। तो यहाँ पे मैं एच सी अपॉन लैमडा यूज करूंगा माइनस फाइन ऑन। वर्क फंक्शन इज प्रोवाइडेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। देखो एच सी का वैल्यू होता है 12400, कितना 12400 अपॉन वेवलेंथ कितना है एज इट इज एमस्ट्रॉन्ग में 4500, तो कन्वर्ट बिन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 4500 पे इसको पुट कर दिए। माइनस फाइव नॉट का वैल्यू, फाइव नॉट का वैल्यू कितना दिया है 2, तो कन्वर्ट टू वैल्यू नहीं लिखना है अपने को, जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है ईवी में वो लिखना है। तो अभी इसको सॉल्व करके देखता हूं मैं, मुझे कुछ 2.755 वैल्यू आ रहा है, तो आई विल नोट इट डाउन, सब्ट्रैक्ट करूंगा 0.75। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ। अभी इधर से मुझे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो मुझे एसआई यूनिट में उसको निकालना पड़ेगा। सो हाउ कैन आई फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग? तो मैं क्या करूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी को ईवी में जो पहले था उसको कन्वर्ट करूंगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल नाउ बिकम, कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट? तो 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यू विल गेट आंसर एज 12 × 10⁻²⁰। अच्छा, आप जिनको नहीं पता उनके लिए एक स्टेप लिख लेता हूँ, बाद में आपके काम में आएगा। अच्छा, ये जो नोट्स है आपको अगर चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज डाल सकते हैं यूट्यूब पे, तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, हम आपको उसका लिंक दे देंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये 0.75 × 1.6 × 10⁻¹⁹ हो गया। अभी क्या करना है, ये मतलब ईवी में था उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जूल में, तो सॉल्व करने के बाद कुछ 12 × 10⁻²⁰ आ रहा है। अभी इधर से आप हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर सकते हो एंड इधर से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुम लोग बोलोगे सर क्या कैलकुलेशन इजी हो गया, पहले तो स्मॉल लग रहा था, अभी ट्राई करके देखो, सच्ची में इससे कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। और आपको एट द एनी कॉस्ट वेलोसिटी को एसआई में ही निकालना है, क्योंकि बी को एसआई में पुट करना है, निकालना है। तो वी को अगर आप यहाँ पे पुट करोगे बाद में, यू विल गेट वैल्यू ऑफ बी, दैट विल बी इन टेस्ला, और यू कुड यूज द यूनिट ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर, बराबर ना? ये टेस्ला क्यों दिया है, टेस्ला को ऑनर करने के लिए। लेट्स नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे वो देखो। फॉलोइंग डेटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। तो मुझे डेटा दिया है वेवलेंथ का और उनका रिस्पेक्टिव स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैम्बडा 1 है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, ये लैम्बडा 2 है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। ओके, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, सो दे वांट मी टू फाइंड आउट एच। वर्क फंक्शन फाइ नॉट, कोई बात नहीं। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, न्यू नॉट एंड लैम्बडा नॉट, एंड नॉट ओनली दैट, वॉट इज द मोस्ट लाइकली मेटल यूज फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। अरे क्या मजाक कर रहे हो क्या, मतलब लाइक इतना सब कुछ करने के बाद दे वॉन्ट मी टू फाइंड आउट ऑल दोज डेटा। अभी कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा शॉर्ट एंड स्वीट में, बट मैं सम पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं,
मैं आपके लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपको आधा सॉल्व करना है। पहली चीज तो अपने पास दो सिनारियोज है, तो आप दो इक्वेशन क्रिएट करोगे। के ई का इक्वेशन होता है एच न्यू माइनस फाइव नॉट, सो यू कुड यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, करेक्ट? देखो तो के ई के जगह ईवी नॉट लिख सकते हो, एच न्यू के जगह एच सी बाय लैम्बडा। सर आप ऐसे मॉडिफाई कैसे करते हो, आपको कैसे पता चलता है? आंसर सामने है, डेटा। मैं डेटा को देखता हूं कि डेटा कौन से टर्म में, डेटा में फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं, सो आई विल यूज एच सी बाय लैम्बडा। बस अभी यहाँ पे भी मैंने टफ वे में इसको सॉल्व किया है, बट आप इसको एकदम इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। आप दोनों इक्वेशन इजी वे में बना सकते हो, मतलब दो क्यों, क्योंकि अपने पास दो सिनारियो है। तो ईवी नॉट वन में क्या होता है कि ईवी नॉट वन में आपका वैल्यू दिया है 1.95, सो यू विल राइट इट एज 1.95। एच सी का वैल्यू 12,400, करेक्ट? लैमडा वन का वैल्यू, ओ ओ ओ ओ, यू कैन नॉट यूज दिस मेथड नाउ, आई लाइक इट्स क्वाइट एविडेंट क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एच सी का वैल्यू अगर आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो आप ये एग्री कर रहे हो कि आपको एच का वैल्यू ऑलरेडी पता है, ओके? तो मतलब आप एच का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहे हो ऐसा, बट एच तो अननोन है ना, देन हाउ कैन यू से एच इंटू सी इज 12,400। अब तुम लोग बोलोगे मुझे पता है, बट ऐसा नहीं चलता, इसीलिए इसको नॉर्मल यूनिट में मैंने सॉल्व किया। तो ई का वैल्यू पुट किया, वी नॉट वन का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, लैम्बडा वन। देखो अगर मैं ईवी के टर्म्स में पुट करता ना इसको, मतलब लाइक ईवी के टर्म्स में, तो सिर्फ 1.95 चल जाता, बट अगर मुझे एसआई में इसको निकालना है तो ई का वैल्यू डालना पड़ता है, ओके? फिर सी का वैल्यू डाला, लैम्बडा का वैल्यू डाला, फाइव नॉट इक्वेशन वन क्रिएट किया, इक्वेशन टू किया। इक्वेशन वन एंड टू को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, इक्वेशन वन एंड टू को, तो आपको एच का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इट इज लाइक ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। जैसे आप एक्स वाई निकालने के काम करते हो ना, सेम चीज यहाँ पे करना है, आपको क्या करना है, एक्स वाई निकालना है। तो आप एच निकालोगे, फाइव नॉट निकालोगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करके दो चीजें सॉर्ट आउट होगी। अभी एक बार समझो आपने एच निकाल लिया, फाइव नॉट निकाल लिया, उधर से आप ये कैसे निकाल पाओगे? एकदम सिंपल चीज है, फाइव नॉट अगर मिल गया आपको, देन यू कुड यू एच न्यू नॉट, स्टोरी खत्म। इधर से न्यू नॉट हो जाएगा फाइव नॉट बाय एच, फाइव नॉट जस्ट मिला है आपको, एच जस्ट मिला है, दोनों का रेशियो ले लो, मिल जाएगा। एक बार न्यू नॉट मिल गया, देन यू नो दैट न्यू नॉट इज सी अपॉन लैम्बडा नॉट, तो इधर से आपको क्या मिलेगा, इधर से लैम्बडा नॉट मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें, ये फॉर्मूलाज है जो आपको बाद में यूटिलाइज करने हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आपको मटेरियल चूज करना है, बराबर? अभी आप मटेरियल कौन सा चूज करोगे, तो मटेरियल डिपेंड होता है ऑन द वैल्यू ऑफ फाइव नॉट। तो जो भी आपको फाइव नॉट का वैल्यू आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको फाइव नॉट का वैल्यू 2.8 आया, तो टेक्स्ट बुक में टेबल अवेलेबल है, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बट आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, उसमें आपको 2.8 के क्लोजर जो वैल्यू मिलेगा वो आप चूज करो। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर हाउ डू वी नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, मतलब हमको वैल्यूज थोड़ी पता चलेगी, तो दैट इज वाई आपको ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। और अगर ऐसा आता है तो दे नीड टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर थिंग कि दिस वैल्यू इज फॉर कैल्शियम, जो बहुत रेयर केस में होगा। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि यहां तक आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दे डोंट लाइक, इट इज नॉट नेसेसिटी फॉर यू टू रिमेंबर दिस वैल्यूज, मतलब फाइव नॉट के वैल्यूज, समझ गए? तो इसी तरह से हम लोगों ने एक और इंटरेस्टिंग सा सम सॉल्व किया। लेट अस नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो डी ब्रॉय प्रिंसिपल के ऊपर है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, इट्स मोमेंटम एंड स्पीड, ओके, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 54। क्या क्या निकालना है, वेवलेंथ लैम्बडा, इलेक्ट्रॉन मोमेंटम पी, स्पीड वी, जब उसका वोल्टेज कैपिटल वी 54 वोल्ट है। कैसे सॉल्व करोगे, पहली बात तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड एसोसिएटेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.22 यूज करो, पता है वेवलेंथ नैनोमीटर में आएगा, ये चीज याद रखो। इसको सॉर्ट आउट करता हूं, 0.167 आंसर आता है, डेफिनेटली आई हैव यूज्ड कैलकुलेटर, बट आपको लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। देन लैम्बडा हो गया एच बाई पी, बराबर, आपको एच का वैल्यू पता है ऑलरेडी प्लैंक का। अभी जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, जो भी आपका प्रीफिक्स है नैनो उसको 10^-9 में कन्वर्ट करना है। इधर से आपको मोमेंटम मिलेगा, उसका एसआई यूनिट लिखा केजी मीटर पर सेकंड। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवी, तो वेलोसिटी हो जाएगा मोमेंटम अपॉन एम, जो भी वैल्यू आया उससे एम को एम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का, विच इज 9.1 × 10^-31। सर डू वी हैव टू रिमेंबर इट, एब्सोल्युटली। आपको प्रोवाइड
लकी हुए तो आपको ना पेपर के एकदम स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए हुए वैल्यू मिलेंगे, लाइक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, देन क्यू मिलेगा मतलब चार्ज, देन उसके बाद आपको मास मिलेगा, प्रोटॉन का मास मिलेगा लकी हुए तो। इवन कभी कभी कैपिटल जी का वैल्यू प्रोवाइडेड होता है, दैट इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये था ए पार्ट। When it is moving with kinetic energy of 150 EV, तो मुझे निकालने हैं यही तीन चीजें। अभी kinetic energy 150 EV से निकालना है तो मतलब E का वैल्यू प्रोवाइडेड है, आई कैन यूज E इक्वल्स टू क्यू वी, बराबर। तो V वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज हो गया E by Q, तो मैंने E का वैल्यू डाला, Q का वैल्यू डाला, आंसर आया 150। जैसे 150 आंसर आया, मैंने 1.228 वाला वही मेथड, मतलब जो यहाँ पे सॉल्व किया सारा का सारा रिपीट होगा। तो ये इतना एक्स्ट्रा क्यू, क्योंकि आपके पास एनर्जी दिया है, के ई दिया है, एंड फ्रॉम के ई यू नीड टू फाइंड आउट वी फर्स्ट, यूजिंग दैट पर्टिकुलर वी यू कैन अगेन यूज द सेम थ्री फॉर्मुलेज एंड यू कैन गेट द फाइनल आंसर। तो आप इसका भी नेक्स्ट पार्ट एज होमवर्क सॉल्व करोगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, ये टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। ओके, कहां पे आएंगे, सीईटी में, नीट में, सीईटी नीट लेवल के है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ दोनों का सेम है, लैम्बडा ई लैम्बडा पी, इलेक्ट्रॉन का भी सेम, प्रोटॉन का सेम। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटा माने मोमेंटम। सो इनडायरेक्टली वी वॉन्ट टू फाइंड रेशियो ऑफ P1 अपॉन P2, एंड नॉट ओनली दैट हम लोगों को KE1 अपॉन KE2 भी निकालना है। पहली चीज, λ1 इक्वल्स टू λ P, मतलब अगर ये यूज करेंगे तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, H by P, खाली मोमेंटम डिफरेंट होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, HH कैंसिल, तो अगर मैं PE को ये साइड शिफ्ट करूं तो PE by PP क्या हुआ, 1, तो आंसर हुआ 1:1। देखो कितना इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है। लैम्बडा ई लैम्बडा पी, अभी गोल क्या है, अभी एनर्जी चाहिए, तो मैं लैम्बडा को ऐसे फॉर्मेट में लिखूंगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज अंडर रूट वाला। तो HH कैंसिल हुआ, दोनों साइड स्क्वायर मारूंगा तो स्क्वायर रूट जो भी था वो भी चला गया, 2:2 कैंसिल होगा। अभी MEMP कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि आपको मास नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप अभी EE को ये साइड लेके आओगे और MP को ये साइड लेके आओगे। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट दोज मास, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10^-27 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10^-31। आप आराम से इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दिस एज अ फाइनल आंसर, बड़ा ही नंबर आएगा क्योंकि 10^-31 नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपको जो रिक्वायर्ड था वो मिल गया, मस्त एकदम खुश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपको गेस करना है, दो पार्टिकल है हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, ओके, दो पार्टिकल है जिनका डी ब्रॉय वेवलेंथ सेम है, एंड वन इज मूविंग 4 times एज फास्ट एज अनदर, ओके। तो एक पार्टिकल है जिसका स्पीड v1 है, दूसरा पार्टिकल है जिसका स्पीड v2 है, एंड जो v2 है वो 4 times v1 है। इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, वॉट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम, इनडायरेक्टली क्या होता है, वो हीलियम होता है। Then what are the possibilities of the other particle? तो दूसरा पार्टिकल कौन सा होगा बे, ऐसा पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। अभी आपको क्या हिंट दिया है, सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, यहाँ पे उनका आपका क्वेश्चन इजी हो गया। तो आप लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 यूज करोगे, वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा, H/P, तो आप H/P1 इक्वल्स टू H/P2 करोगे, P1 के जगह M1V1, इसके जगह M2V2, V2 क्या है, 4 times V1, तो V1 कैंसल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर ऐसे करोगे तो 4M2 विल बी M1 हो जाएगा, मतलब जो भी आपका हीलियम था उसका मास 4 times है M2 से, मतलब जो भी M2 होगा वो स्मॉल इन मास है। अभी हीलियम से छोटा कौन हो सकता है, तो मतलब इट कैन बी हाइड्रोजन और इट कैन बी समथिंग डिफरेंट। तो अभी सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, हाइड्रोजन में क्या होता है, इट हाइड्रोजन हैज 1 proton। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, पॉसिबिलिटी ऑफ अदर पार्टिकल, तो मुझे कौन सा पार्टिकल हो सकता है वो निकालना है, बराबर। अभी कैसे निकालोगे, देखो हीलियम के अंदर 4 times मास देन पार्टिकल 2 होता है, मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है, तो हीलियम का मास इज 4 times पार्टिकल 2। हीलियम के अंदर 2 proton है और 2 न्यूट्रॉन है, दिस इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द हीलियम। तो हीलियम के अंदर जो न्यूक्लियॉन होता है उसके अंदर 2 proton होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बराबर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का मास भी सेम होता है, तो दैट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं M2 की, दैट इज M2 मीन्स वो जो नया वाला है उसका मास M1/4 होना चाहिए, सो दैट कैन बी ईदर प्रोटॉन
क्योंकि चार में से एक ऐसा चूज कर रहे हैं ना हम लोग, या फिर टोटल मास डिवाइडेड बाय फोर, मतलब एक एक चीज बची, कौन सा, या तो वो प्रोटॉन हो सकता है या तो वो न्यूट्रॉन हो सकता है. तो दैट मीन्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट इट कि एग्जैक्टली कौन सा पार्टिकल है. तो आप क्या बोलते हो कि भाई वो प्रोटॉन हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन हो सकता है. नाउ लेट अस डू टू मोर क्वेश्चन एंड अपना चैप्टर खत्म. एकदम बढ़िया से देखेंगे क्वेश्चन, इजी इजी है, आपको होमवर्क भी दे सकता था बट बोला कि चलो यार साथ में डिस्कस किया जाए. व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रॉय वेवलेंथ 0.08 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा का वैल्यू प्रोवाइडेड. आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ प्रोटॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन नहीं. गलती से 1.228 करोगे फटके खाओगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है. लैम्डा एच बाय एम वी यूज किया, लैम्डा का वैल्यू डाला, उसके बाद एच का वैल्यू डाला, उसके बाद एम का वैल्यू डाला, प्रोटॉन का मास 1.67 होता है वो सब्सटीट्यूट किया, वी का वैल्यू पता नहीं अननोन रखा, वी को ये साइड शिफ्ट किया, इसको ये साइड शिफ्ट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया. तो कितने वेलोसिटी से जाता है वो, ऑलमोस्ट 49 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोटॉन इतने स्पीड से मूव होता है. नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद द एनर्जीज ऑफ 5×10⁻²⁻¹ जूल, फाइंड देयर स्पीड एंड वेवलेंथ. एनर्जी प्रोवाइडेड है बराबर, आपको वेवलेंथ निकालना है और स्पीड. सामने से लैम्बडा का फॉर्मूला यूज करो, एच अपॉन टू एम ई, मास न्यूट्रॉन का प्रोटॉन जितने ही होता है, एच का वैल्यू भी पुट किया, ई का वैल्यू भी प्रोवाइडेड है, सारी चीजें प्रोवाइडेड, आपको लैम्बडा मिलेगा. एक बार लैम्बडा मिल गया, यूज एच बाय एम वी, उधर से आपको वेलोसिटी मिलेगा. एक बार वेलोसिटी मिल गया तो आपका मतलब स्टोरी खत्म ही हो गया, क्योंकि लैम्बडा पहले मिला था फिर वेलोसिटी मिल गया. इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा ड्यूअल लेक्चर एकदम बढ़िया से खत्म कर दिया आपके लिए. ओके, एंजॉय करो. जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए वो इस वजह से सॉल्व नहीं किए क्योंकि वो इजी है. और एक चीज याद रखनी है अपने को, कौन सा मेथड यूज करना है, शॉर्टकट. एच का वैल्यू 4.135×10⁻¹⁵ होता है. याद है मैंने गलत पुट किया था लास्ट पार्ट में, उसके वजह से आंसर नहीं आ रहा था. सेकेंड चीज, अगर एच सी का वैल्यू पुट करना है तो वो 12,400 पुट किया जाता है. तो ये जो छोटी छोटी चीज है आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और आप रेडी हो टॉपिक के लिए, आराम से ये टॉपिक में खा सकते हो, जितने भी मार्क्स से स्कोर कर सकते हो. टॉपिक को प्रॉपरली एक बार पढ़ोगे, एमसीक्यू भी हो जाएगा. बाय बाय, टेक केयर.